हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था वो इसलिए डिलीट किया गया क्योंकि उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कुछ भी कॉमन डाउट्स है इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। एग्जाम सेंटर क्या हो सकता है, एजुकेशनल क्राइटेरिया एग्जैक्टली क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है नहीं होने वाला है, और आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पर एग्जाम सेंटर आपका आ सकता है। सो विद इन 7 to 8 मिनट्स हम ये सब डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एजुकेशनल क्राइटेरिया 50% है या 60%। इसमें यदि हम चार वे से प्रूव कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले क्राइटेरिया कि यहाँ पे डेवलपमेंट असिस्टेंट का लिखा गया है और ये भी डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी है। यदि यहाँ पे क्राइटेरिया 50% है और यहाँ पे 60% कैसे होगा, पोस्ट सेम है तो क्राइटेरिया भी सेम होगा। तो ये फर्स्ट मेथड से हम ये प्रूव कर गए कि यहाँ पे 50% क्राइटेरिया ही है, नॉट 60%। सेकेंड मेथड ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो 50% दिया गया है तो ये 50% फॉर ओपन EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए है, और पासिंग का क्राइटेरिया जो है वो PWD एक्स सर्विसमैन एंड SC ST कैंडिडेट्स के लिए। यदि ये 60% क्राइटेरिया होता तो ज़्यादा कंसेशन बाकी को नहीं मिलता। मतलब यदि 60% हमेशा क्राइटेरिया होता है तो बाकी कैटेगरीज के लिए वो 55 क्राइटेरिया होता है, 55% का, सिर्फ 5% का वहाँ पे कंसेशन दिया जाता है। लेकिन यदि यहाँ पे 60% का है और यहाँ पे पासिंग परसेंटेज का है, या मतलब यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है उनकी तरफ से, ये सेकंड मेथड से हम प्रूव कर गए। यदि थर्ड मेथड से हम ये देखेंगे जो लॉजिकली प्रूव होता है कि जब भी कोई रिक्रूटमेंट निकलता है असिस्टेंट लेवल का तो उसका क्राइटेरिया कभी भी 60% नहीं होता, क्योंकि ये जो पोस्ट है क्लास सी की पोस्ट है। हालांकि ये रेगुलेटरी बॉडीज़ है, इसमें क्लास ग्रुप बी में आती है, लेकिन जो कुछ भी असिस्टेंट लेवल की पोस्ट पूरे हमारे ऑल ओवर इंडिया रिलीज होती है, जिसकी वैकेंसीज रिलीज होती है, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडीज़ की हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की हो, इंश्योरेंस सेक्टर की हो, क्लेरिकल लेवल की हो, तो वहाँ पे 60% क्राइटेरिया कहीं पे भी नहीं होता। 60% क्राइटेरिया सिर्फ ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट के लिए होता है, वो भी चुनिंदा पोस्ट के लिए होता है। और 60% क्राइटेरिया यदि आप असिस्टेंट लेवल के लिए देखोगे तो प्राइवेट बैंक्स ही रखती है, नो रेगुलेटरी बॉडीज भी नहीं, और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी भी है 60% का क्राइटेरिया असिस्टेंट लेवल के लिए नहीं रखती है। तो ये लॉजिकली अप्रूव है। लेकिन लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन भी हम देखेंगे फोर्थ वे से, कि लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट। तो आपको एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 50% एंड पासिंग पास क्लास फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। तो SC ST PWD वालों के लिए पास क्लास जो हमने नोटिफिकेशन में भी देखा है शॉर्ट नोटिस में, एंड 50% एग्रीगेट फॉर ओपन EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 50% है। मतलब ये हमारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है कि एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर के बारे में भी उन्होंने एक नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है कि द प्रिलिमिनरी एग्जाम सेंटर विल बी कंडक्टेड, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट वेरियस वेन्यूज अक्रॉस द स्टेट। तो एक स्टेट होगा, हम यदि कंसिडर करेंगे महाराष्ट्र में तो उसके बहुत सारे 17 and 18 लोकेशंस पे प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू ऑप्ट फॉर अ सेंटर विद इन द सेम स्टेट दे हैव अप्लाइड फॉर। मतलब यदि आप इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेट, मतलब आप किस स्टेट के डोमिसाइल हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। यदि आप महाराष्ट्र से अप्लाई करते हो तो आपको महाराष्ट्र में जितने भी सेंटर्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे उसी में से एक सेंटर प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए सिलेक्ट करना होगा। मतलब मुंबई ही करना है ऐसा नहीं है, पुणे, नागपुर, नासिक, कौन सा भी सेंटर आप चूज कर सकते हो। तो ये क्राइटेरिया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे LPT का इशू क्लियर नहीं होता, LPT का इशू उन्होंने अलग से दिया है। तो आपको ये डाउट क्लियर होगा कि आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो और जिस स्टेट से अप्लाई करोगे उसी से आपका सेंटर आएगा। मतलब आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हो और आप महाराष्ट्र से अप्लाई करोगे तो आपको एग्जाम सेंटर दिल्ली में नहीं चलेगा, आपको महाराष्ट्र में आके ही एग्जाम देना पड़ेगा जो सिटी आप सिलेक्ट करोगे। अब बात आती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी उन्होंने एक सेपरेटली क्लॉज दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नाबार्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में बारे में उन्होंने नॉर्मल क्लास दे, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में उन्होंने क्या क्या है। सो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज ऑफ स्टेट। मतलब शुड नो टू रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। मतलब उसको लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए और लिखते भी आना चाहिए। मतलब तीनों चीज़ें करते आना चाहिए, रीड, राइट एंड स्पीक, तीनों चीज़ें में उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ लिखते आता है और बोलते आता है,
तो आप पढ़ नहीं पाओगे तो आपको डिसक्वालीफाई किया जाएगा। आपको एटलीस्ट तीनों चीज़ें में क्वालिफाई करना, एक नॉर्मल सा क्वालिफाइंग टेस्ट होता है जहाँ पे आपको लिखने के लिए भी बोला जाता है, बोलने के लिए भी बोला जाता है और पढ़ने के लिए भी बोला जाता है। सो ये सब कुछ चीज़ें आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आती है। तो यदि आप महाराष्ट्र से अप्लाई करते हो तो आपको मराठी आनी ही चाहिए, उसको बोलते भी आने चाहिए, लिखते भी आने चाहिए और पढ़ते भी आने चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का क्राइटेरिया हमेशा होता है। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि नॉर्मल 50% क्राइटेरिया का हमारा फिक्स है, 50% उन्होंने दे दिया है, ये शायद नॉर्मल प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर, आप जिस स्टेट से अप्लाई किया उसी स्टेट में आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा, आपने उसी स्टेट में जाके आपको एग्ज़ाम देना है और किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ आपको उसी स्टेट का लैंग्वेज आना चाहिए थे। मतलब यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज जो कुछ भी आप स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड।